इस वक्त की बड़ी खबर वैशाली जिले के लालगंज से है, जहां बहुचर्चित मुकेश साहू हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस हत्याकांड के महत्वपूर्ण आरोपित रोशन उर्फ तात्या को वैशाली पुलिस 2 दिनों की रिमांड पर ले सकती है। इस दौरान मुकेश साहू हत्याकांड से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदु पर पूछताछ होगी। आशंका जताई जा रही है कि इस पूछताछ के बाद मामले की और कलाई खुलेगी। हालांकि तात्या के रिमांड पर लेने की खबर की वैशाली पुलिस पुष्टि नहीं कर रही है, मगर इसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल 27 जनवरी को लालगंज बाईपास में बाइक सवार अपराधियों ने लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार साहू व लालगंज नगर परिषद के सभापति के भाई मुकेश साहू की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना उस वक्त घटी थी जब लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग के बाईपास में मुकेश साहू बैठे हुए थे। घटना के बाद से पुलिस लगातार इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। इसी बीच पुलिस लालगंज फकुली पथ पर रेलवे क्रॉसिंग के पास से 3 अपराधियों को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार भी किया था। पूछताछ में गिरफ्तार गोलू कुमार ने बताया कि पटना बेउर जेल में बंद रोशन उर्फ तात्या ने मुकेश साहू की हत्या की सुपारी दी थी, जिसके बाद उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। एसपी ने बताया कि रोशन उर्फ तात्या का मुकेश के साथ पैसे को लेकर कुछ विवाद था, इसलिए उसने हत्या की सुपारी गोलू को 2 लाख में दी थी। गिरफ्तार अपराधियों में से गोलू और ललन लालगंज थाना क्षेत्र के पुरैनिया का, जबकि नीरज सारण जिले के गरखा का रहने वाला है।